जी शेख, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम अगर कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई ऐब होना नहीं चाहिए, तो उसकी शर्त एक ये भी है क्या शेख, अगर कोई जानवर है बकरा है उसके जब यानी उसके मुंह में फुल दांत हो, खाली एक दांत ना हो, तो एक दांत ना होना भी क्या ऐब है? यही सवाल था शेख मेरा। ये बताइए कि क्या वो दांता हुआ है कि नहीं, वो दांत जो शर्त है कुर्बानी के लिए, आगे के दो दांत, क्या वो दांत है उसको? नहीं शेख, मैंने उसका मुंह तो खोला तो सारे दांत थे, मगर उसके दरमियान में एक दांत नहीं था शेख, तो क्या ये जानवर? देखिए, दांत का ना होना ये कुर्बानी के लिए माने नहीं है, और यहां हमारी दांत से मुराद ये कि कोई कोई दांत उसका टूट गया, गिर गया किसी वजह से, तो ये जी कुर्बानी के लिए रुकावट नहीं है, ये ऐब नहीं है। अलबत्ता जो कुर्बानी के लिए शर्त है कि वो दाता होना चाहिए, यानी दाते वाले उम्र में पहुंच जाए, दांत निकल आए, उसका दांत गिर के नया दांत निकल आए, तो वो दाता होना अलग मसला है, और उसका कोई दांत गिर जाना किसी हादसे की वजह से या किसी सबब से, ये अलग मसला है। तो किसी बकरे के मुंह से किसी दांत का टूट के गिर जाना ये ऐब नहीं है, उसकी कुर्बानी जायज है, क्योंकि जिन अयूब जो अयूब कुर्बानी से माने हैं वो चार अयूब हैं जिनका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराए बिन आजिब की हदीस में किया है, कि वो काना ना हो जिसका कानापन जाहिर हो, बीमार ना हो जिसकी बीमारी जाहिर हो, ऐसा लंगड़ा ना हो जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, इतना कमजोर ना हो कि उसके जो है हड्डी में गुदे ना हो, तो ये चार अयूब हैं। अब अगर कोई दूसरा ऐसा ऐप पाया जा रहा है जो इन चारों के मुमातिल है या इनसे ज्यादा बड़ा है, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अब इनसे अगर छोटा ऐप है तो वो माने नहीं है, रुकावट नहीं है कुर्बानी में। जी ये किसी से रिलेटेड ये बात पूछ रहा था कि अगर कोई जानवर यानी बकरा खांसता है तो ये बीमारी है क्या, ये भी है रुकावट खांसना, है? जी सर्दी उसको भी यानी जानवरों को भी सर्दी होती जी बिल्कुल। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो अल्फाज हैं वो हैं, अल मरीदा अल बई मरदुहा, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी वाजे जी। हो, यानी अगर छोटी मोटी कोई बीमारी है जो कि आमतौर से जानवरों को होती ही है, जानवर देखो कोई भी 100 में से 90 के नाक में से पानी गिर रहा है तो ये बीमारी नहीं मानी जाती है, उसके नाक में से पानी आना, थोड़ा सा जुकाम होना, ये बीमारी नहीं है। ऐसी बीमारी जिसको बीमारी शुमार किया जाता है वो जाहिर बीमारी।